मुंबई के लालबाग पैरू कंपाउंड इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां से एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिसे पहले प्लास्टिक के बैग में पैक किया गया था, फिर कपाट में बंद करके रखा गया। पुलिस को देर रात इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने कपाट के अंदर से बैग निकलवाया और उसे खोला तो लगभग 50 से 55 साल की महिला की डेड बॉडी मिली। मृतक महिला की बेटी से इस मामले में पूछताछ चल रही है। पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया हुआ है। सूत्रों की माने तो बेटी ने ही हत्या कर बॉडी को पैक कर कपाट में छिपाया था। पुलिस इस हत्या के कारणों को जानने के लिए बेटी से पूछताछ कर रही है। कालाचौकी पुलिस स्टेशन में इस महिला के भाई ने मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लॉज की थी। उस मिसिंग कंप्लेंट की इंक्वायरी में हमारी टीम उस घर पे चौल में, जो घर में ये पहले माले पे ये महिला रहती थी, उस जगह पे जाके उस जगह की छानबीन के बाद एक स्टील के कबर्ड में प्लास्टिक की थैली में एक बॉडी जो है डेड बॉडी हमें वहां पे मिली है। जो शव हमें एक प्लास्टिक की थैली में मिला है, उसके अलावा एक स्टील के बॉक्स में टंकी में कुछ ह्यूमन या फिर फ्लेश और बोन्स भी मिले हैं, और ये जो भी पार्ट्स हमें मिले हैं वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजे गए। इस मामले में उसी घर में रहने वाली इस एलिजिडली जो महिला डिसीज्ड है, उसकी बेटी उसी के साथ रहती थी, उसको इस मामले में, इस गुने में अरेस्ट किया गया है। और उस इंक्वायरी में जो चीज़ें सामने आई, उस हिसाब से, उसके बेसिस पे कालाचौकी पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 201 और आर्म्स एक्ट सेक्शन 4, 7, 25 और 27 के तहत गुना जो है वो दाखिल किया गया है।